लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, हाँ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। तो आज का टॉपिक है अपना लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। दिस इज पेज नंबर 1। एक्सपोनेंशियल मतलब आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, है ना? एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? एक्सपोनेंट यस है ना, जैसे 2 की पावर कुछ है। तो देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 की पावर 3, व्हाट इज द आंसर? 8। 8 आएगा ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल वाला टर्म इधर पे। और एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होता है? लॉग बनता है। इनवर्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉगरिथम है, एंड लॉगरिथम का इनवर्स आप एक्सपोनेंशियल को बोल सकते हो। तो 2 to the power 3 is equals to 8, इसको क्या पढ़ोगे आप? एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is 8। आप इसको रीड ऐसे करोगे, एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is 8। ये आप इसको इस तरह से रीड करोगे, एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is 8। ये इस तरह से पढ़ोगे। अच्छा, पढ़ने के और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब आप सिंपल तरीके से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा आप वैसे ही पढ़ोगे, बट आप इस तरह से पढ़ो अभी उसको, है ना? ठीक है, एक्सपोनेंट 3 to the base 2 is 8। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, तो इसको कैसे पढ़ोगे यहाँ पे? दिस इज एक्सपोनेंट 2 to the base 4 is 16। इस तरह से रीड करोगे, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे यस समझ। सर, हाँ, अब इसको यस लॉग सर, कैसे कन्वर्ट करना, अभी देखो लॉग कैसे बनता है। ये तो लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट होता है, आप ये जो एक्सपोनेंट आपने लिखा था इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो लॉग कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे, लॉग लॉग 2 the base 2, लॉग 2 the base 2 ऑफ 8 is equals to 3। मतलब जो बेस एक्सपोनेंट का है वही बेस लॉग का रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही थी वो लॉग की वैल्यू रहेगी, और ये जो एक्सपोनेंट था वो यहाँ पे उसका आंसर बन जाएगा। तो लॉग और एक्सपोनेंट को इस तरह से लिखते हैं, और एक दूसरे के इनवर्स मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो 2 की पावर 3 is equals to 8 आप लिख सकते हो, उसको इन्वर्ट करके या इन्वर्स करके। समझ गया या नहीं? क्लियर हो गया अभी? यस हाँ, सर, तो इसको पढ़ोगे कैसे आप? इसको पढ़ने का तरीका ये है, लॉग 2 the base 2 ऑफ 8 is 3, या फिर जैसे एक्सपोनेंट 3, या फिर आप ऐसा कर सकते हो log 8 to the base, मतलब बिल्कुल मैं सिमिलर लिखता हूँ, हाँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल सिमिलर लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखे थे एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? log 8 to the base 2 is 3, ये इस तरह से लिख दो, बिल्कुल वैसे ही, वैसे तरीका जैसे ये लिखे, बिल्कुल वैसे तरीके से ये लिखे अपन ने। अब दूसरे वाले को लिखो, जरा यहाँ पे इसको कैसे लॉग में लिखोगे? दिस इज लॉग 2 the base of 4 of 16 is equals to, कितना आएगा? ये 2 आएगा। तो इसको पढ़ोगे कैसे? लॉग 16 to the base 4 is 2, ये इस तरह से लिखोगे। समझ गया या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे नो लॉग सर, एक्सपोनेंशियल पे? समझ गए? हेलो, यस समझ गए बच्चों? सर, यस सर, कोई यस डाउट सर, अभी इस पे? कोई डाउट अभी? नो सर, हाँ, नो सर,
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी, है ना? इवनिंग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ऐसी करते हैं। यस सर, ले लिए। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पे समझने में, कुछ कुछ है दिक्कत? आगे बढ़ू मैं यार? यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर, हाँ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल इज इनवर्स ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, और ये पढ़ा होगा आपने 2 की पावर 3 से 8, ये कोई भी बता सकता है आपने, है ना? मतलब कोई मुश्किल काम नहीं। पढ़ने का तरीका ये हो गया, एक्सपोनेंट 3 टू द बेस 2 इज 8। अब इसको लॉग में लिखोगे तो लॉग ऐसा लिखेंगे, लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3, या ऐसे पढ़ोगे लॉग 8 टू द बेस 2 इज 8। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जो बेस है वो यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो आंसर वो लॉग बन जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो लॉग की वैल्यू बन जाएगी उत्ते पे। तो ये इस तरह से लिखे जाते हैं। अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ कुछ और टर्म लिखता हूँ मैं, इसको मिटा दूं। हेलो, पेज नंबर 1। यस सर। यस सर, नेक्स्ट है पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 पे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो जब इसको लॉग में कन्वर्ट करके लिखोगे तो क्या बनेगा? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 इज 2, ये ऐसा लिख दोगे। समझ गए कि नहीं? यस सर। और 2 की पावर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, 2 की पावर होता है 5 32, और इसको फिर आप लॉग में कन्वर्ट करके लिखोगे तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 32 इज इक्वल टू 5। समझ गए? Yes. तो आप किसी भी टर्म का क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉग लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल लिख सकते हो। ये तो लेकिन मैंने किस तरह के नंबर लिखा अभी यहाँ पे, ये पूरे कंप्लीट नंबर लिखा मैंने, है ना? हाँ, 2 आएगा ना सर, 10 की जगह पे सेकंड वाले में 2 आएगा ना, log 2। अच्छा हाँ, सॉरी बेस 2 है, सॉरी ओके, बेस 2 और 32 इज 5, बराबर है? समझ गए? समझ गए ना? तो यहाँ पर तो मैंने एक परफेक्ट नंबर लेके लिखा है, लेकिन अगर अपन कुछ इस तरह से लिख दें कि at पावर y इज इक्वल टू x है, तो इसको जब आप लॉग में लिखोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट y है और डिपेंडेंट x है, जब आप इसमें लॉग में लिखोगे तो लॉग टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू y बन जाएगा। अब a क्या हो सकता है यहाँ पे, a इज हेलो, अरे समझ गए, ये लास्ट वाला जो लिखा मैंने a टू द पावर y इज इक्वल टू x, तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे, आपका फंक्शन के जैसे बन गया। फंक्शन के जैसे मतलब मान लो मैं a को फिक्स कर दूं, सपोज a इज इक्वल टू 10, लाइक मान लो मैंने a की वैल्यू 10 रख दी है, तो फिर और y की वैल्यू क्या जाएगी, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो अब अपन y की अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग वैल्यू अपन निकाल सकते, जैसे 10 की पावर 1 तो ये 10 आएगा, फिर 10 की पावर 2 कर दो तो 100 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 3 कर दो, मतलब आप इस तरह की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 ऐसे। तो ये एक प्रकार से ना फंक्शन जैसे बनने लगेगा, मैं और अभी एक्सप्लेन करता हूँ अभी इनको। ये जैसे अपन ने लिखे तो इस तरह से लिख सकते हो, वैसे ही e एक इरेशनल नंबर है, e टू द पावर y इक्वल्स टू x है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, This is log to the base e of x is equals to y here. तो ये log लिखने के तरीके हो गए और exponential के तरीके हो गए यहाँ पे। समझ गए या नहीं? कोई doubt है अभी? Hello? No, कोई doubt है?
ओवर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ई की वैल्यू कल बताया था मैंने, ई एक इरेशनल नंबर होता है जैसे पाई होता है, ई की वैल्यू होती है 2.72 के आसपास लगभग लगभग, है ना, एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई की वैल्यू कितनी लिखते हो आप, 3.14 लिखते हो, वैसे ई है, ई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ गए, ई एक इरेशनल नंबर है। हेलो सर, बोलो सर, वो आपने ए बी ए वाई और एक्स में लिखा, थोड़ा कंफ्यूज है, एक बार एक ही बार बता दो, कोई भी एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा, ए इज एनी नंबर, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखे हो, 10 लिखे हो, 2 लिखे हो, 3, कोई भी हो सकता है ये सर, ठीक है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, ए क्या है यहाँ पे, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, समझ गए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सर। हाँ बोलो सर, फिर नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिख सकते अपन? नहीं बेटा, नेगेटिव नंबर का नहीं हो पाता है ना। यस सर, हो गया लिख कर ये? यस यस सर। ओके मिटा दूं इसको, अभी मैं मिटा दूं? यस सर। नो सर, स्क्रीनशॉट लेने। अरे यार रुक, 10 का स्क्वायर 100 है और ये 2 की पावर 5 32 है, ले जल्दी से ले, मिटा दो सर। अभी पेज नंबर 3 पे आते हैं। अब ये लॉक की जरूरत क्यों पड़ी थी पता है कि नहीं आपको? लॉक की जरूरत इसलिए पड़ी थी, पहले कैलकुलेटर्स नहीं थे या आपके पास कंप्यूटर नहीं थे, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए लॉगरिथम का यूज किया जाता था, जिससे आप जल्दी से आंसर निकाल लेते थे इनके, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था, बट अभी इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, जब से मोबाइल कंप्यूटर कैलकुलेटर ही आ गए अच्छे, है ना, तब से इसकी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आप कोई फंक्शन अगर बन रहा तो वहां पर इसकी यूटिलिटी आती है, और कहीं कहीं पे आपको ये मिलेंगे टर्म्स फिजिक्स में, है ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले जो, तो जनरली जो बेस 10 वाला लॉग होता है वो कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, और जो बेस ई वाला है, इरेशनल नंबर वाला बेस ई, जिसका बेस ई होता है, उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ और इसको क्या पढ़ते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, देखो e टू द पावर, अगर मान लो y इक्वल्स टू x है तो ये इसको कैसे लिखोगे आप, लॉग टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल्स टू y, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये ऐसा लिखते, ये गलत नोटेशन लिखते, log ex, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, इसको छोटे से पार्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना वहां पे, समझ गए ना, ये गलत तरीका होता है लिखने का, ऐसा नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है, छोटे से सबस्क्रिप्ट बना के लिखा जाता है, तो जब बेस e बन जाता है तो ये जो log होता है, log टू द बेस e ऑफ x, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग के लिए सिंबल सिर्फ ln x लिख सकते हैं अपन, मतलब ऐसा भी सिंबल बनाया जाता है, तो या तो ln x लिख दिया या फिर पूरा ऐसा लिखा, तो इसकी मीनिंग एक ही होती कि ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल लॉग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द नेचुरल लॉग, अगर इस तरह से लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात होती, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, समझ गए ना, ये नेचुरल लॉग है बेटा, अरे समझ गए, नेचुरल लॉग बोला जाता है, बेस ई का जो लॉग है इसी को नेचुरल लॉग बोला जाता है, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हाँ ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सर, ले लिए, ले लिए सर, सर
तो नेचुरल लॉग समझ गए अभी? यस सर। पेज नंबर 4 अभी। हाँ, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सपोज 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y अगर मैं लिख दूं, तो x और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0 मतलब 1 बचेगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y में 2 का स्क्वायर हो गया। हां ना सर, आपका माइक म्यूट है। दो मिनट वेट करो। हाँ, आगे भाई आवाज आ गई? यस आ रही सर। यस सर आवाज आ रही ना? देख, ये 2 की पावर x इक्वल्स टू मैंने y लिखा, मतलब एक प्रकार से ये एक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रही है। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अभी देखो, x की वैल्यू 0 से 1 में और नंबर नहीं आते क्या? x के 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हैं? ब्लैक हो गए। नहीं ना बेटा, इधर से बराबर है ना। दोबारा री एंटर कर लो आप, है ना? सर क्लियर है। दोबारा री एंटर कर लो। क्लियर है सर। अभी देखो, x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ऐसे ही 1 से लेकर 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर अपन यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो, इधर पे आपने y एक्सिस ले लिया, इधर पे आपने x एक्सिस ले लिया, और ये वैल्यू मैं सपोज स्ट्रेस ले लूं यहाँ पे, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, 8, 10 एंड 12, फिर x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आप ऐसा ले लो। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है कि नहीं? y की वैल्यू 1, 1 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। फिर x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। फिर x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो अगर आप इस ग्राफ को फ्री हैंड ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ये जो कर्व है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ये इस तरह से बनेगी एक्सपोनेंशियल कर्व यहाँ पे। क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा इसमें? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, तो ये अपन ने एक्सपोनेंशियल के लिए लिखे। अब इसी का अगर अपन लॉग बना के लिखते तो फिर देखते किस तरह से बनता है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, पेज नंबर 4 का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिए। ले लिए सर। ले लिए सर। हाँ, देन पेज नंबर 5 अभी। अब मैं लॉग में कन्वर्ट करता हूं इसको। तो अगर आप इसका लॉग में कन्वर्जन करते हैं तो लॉग में क्या लिखोगे? लॉग टू द बेस 2 ऑफ y इज इक्वल टू x। तो फिर आपको यहां पर से लिखना पड़ेगा लॉग टू द बेस 2। अभी देख, यहां पर क्या लिखोगे? y की वैल्यू कितनी है? 1 है। और जब x की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब log 1 की वैल्यू 0 आ गई। फिर log टू द बेस 10 ऑफ y की वैल्यू यहां पे 2 है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने यहां पे? हां, बराबर चल रहा है। ठीक है, log टू द बेस ऑफ 2, तो यहां पे कितना आ गया? 1। फिर log टू द बेस 2 ऑफ 4, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पे y की वैल्यू आप अलग अलग लिख रहे हो, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 2। फिर log टू द बेस 2 ऑफ
एट अगर आप लिख रहे हो तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एट पे कितना है थ्री है। तो अगर अपन अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें इनका लॉग का ग्राफ, ये किसका ग्राफ बनाए थे अभी अपन ने, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाए थे, ऐसे ही आप लॉग का ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, मैं इसके ग्राफ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसका ग्राफ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ बस यूजफुल होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में लॉग कैसे लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे बताया बस। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ओके बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे लिए रहता यूजफुल, ये नहीं रहता, इसलिए मैंने लॉग का बताया नहीं ग्राफ। अब हमारे लिए ना लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। एक्सपोनेंशियल तो आप लोग समझ गए अभी। हाँ, अब हमारे लिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज ज्यादा जरूरी होती हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए ना, पेज नंबर 6 पे। यस, पेज नंबर 6 अभी। हाँ, पेज नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, अभी ध्यान रखो। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट अगर अपन देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कोई भी टर्म हो उसकी पावर जीरो हो, आंसर क्या मिलता है? वन। ए की पावर जीरो तो वन, ई की पावर जीरो तो वन, टेन की पावर जीरो तो भी क्या मिलेगा? वन। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग टू द बेस ए ऑफ वन, तो आंसर कितना मिलेगा? जीरो। कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, लॉग टू द बेस ई ऑफ वन, तो भी आंसर क्या मिलेगा? जीरो। लॉग टू द बेस टेन ऑफ वन अगर ले रहे हैं तब भी आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। कोई भी बेस हो, अगर लॉग वन आप देख रहे हैं तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी बेस हो लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो के इक्वल होती है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, ए टू द पावर वन इज इक्वल टू ए, ई टू द पावर वन इज इक्वल टू ई, टेन टू द पावर वन इज इक्वल टू टेन। तो ये किस तरह से बनेगी सेकंड प्रॉपर्टी जब आप लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं? लॉग टू द बेस ए ऑफ ए इज इक्वल टू वन, और फिर यहाँ पे आप log to the base e of e निकाल रहे हैं तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है? वन आ रहा है। और log to the base 10 of 10 अगर आप देख रहे हैं तो इसका आंसर भी वन है। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे बताओ जरा, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कंक्लूजन निकला? log की सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कंक्लूजन निकला? जो बेस है अगर उसी का आप log ले रहे हो, जो बेस है अगर आप उसी का log ले रहे हो, तो फिर आंसर कितना मिलेगा आपको? वन मिलेगा। कोई भी बेस हो अगर आप वन का लॉग ले रहे हो तो आंसर कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले सर। हाँ, अब पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन। पेज नंबर 7 अभी थर्ड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग टू द बेस ए, कोई भी बेस हो चलेगा, ऑफ एक्स इनटू अगर वाई है यहाँ पे, तो बेटा इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स प्लस लॉग टू द बेस ए ऑफ वाई, आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए ना? मतलब ये अगर यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे बीच में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा।
अच्छा कुछ बच्चे इसमें इस तरह से गलती करते हैं, log to the base a of x plus y है, तो log to the base a, कोई भी base हो हा, इसको क्या लिख देते log x plus log to the base a of y, but this is not equals to, यहाँ multiplication है तो बीच में plus बनेगा फिर यहाँ पे, समझ गया ना? Similarly, जो fourth property है log to the base a of x divided by, अगर y है तो ये log to the base a of x minus log to the base a of y बनता है। यहाँ पर भी क्या common mistake करते बच्चे, log to the base a of x minus y है, तो इसको log to the base a of x minus log to the base a of y लिख देते, but this is not equals to, अगर division है तो ऐसा बनता है। ठीक है, समझ गए क्या? नहीं, हेलो, समझ गए? ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी याद रखना है ये, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना है लॉग की। लॉग की ये प्रॉपर्टी याद रखना है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस बन जाएगा और अगर डिवीजन है तो ये माइनस बन जाएगा बीच में, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई अगर इस तरह से है तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, वहां पे आप नॉर्मली x plus y करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। तो अब मैं अगली प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 5, log to the base a, कोई भी base हो ना, अगर मान लो x to the power m है तो ये क्या बन जाएगा, power सामने आ जाती इसकी m और log to the base a of x बचेगा, मतलब x की power अगर m है तो power सामने आ जाएगी और ये ऐसा बचेगा, ठीक है, समझ गए? ये एक और property है। तो आपको मैंने चार पांच property बताए, उनको याद रखना है आगे के लिए, अगर पावर एम है तो ये इस तरह से बन जाती है। और कुछ वैल्यू ध्यान रखना, अभी कुछ वैल्यू ध्यान रखना, जैसे कुछ कन्वर्जन है, पहला log to the base 10 of 2 अगर है तो इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, फिर log to the base 10 of अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 0.48 के आसपास होती है, और log to the base e of x है या जिसको आप natural log बोलते हो, तो natural log से base 10 में जब convert करते तो 2.303 log to the base 10 of x बन जाता है। ये जो natural log है base 10 में जब आप convert करते तो ये value इस तरह से बनती है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखना। और fourth number में log to the base e of 2 या फिर natural log 2 ln 2, कुछ कुछ इसको ऐसा लिख देते l, ऐसा लिख देते l n और 2 ऐसा भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो 0.693 होती है, चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये कुछ वैल्यू लिखा मैंने जिनको आप लोग ध्यान रखना, मतलब एक लिखा रहना चाहिए जहाँ पे बेसिक मैथ्स है और जब ये यूज होती तो हमको याद हो जाती बार बार, ठीक है। तो कुछ वैल्यू लिखा मैंने, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? सर हाँ बोलो बेटा। log of a of x नहीं, log to the base a of x, x to the power m है, उसकी वैल्यू आई है m into log of base a of x आया है ना? हाँ हाँ सर, पर उसके राइट साइड में x to the power m minus 1 होगा ना? नहीं नहीं बेटा, माइनस वन नहीं होता, वैसे की वैसे ही आ जाता है, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है, अभी किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ तो उसको मत काउंट करो, यहाँ ये रूल है इस तरह से करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी लिख दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे? 1.3 आ रहा सर।
देखते हैं अभी हो सकता 1.3 आ रहे हैं। मिटा दो इनका, नाउ दिस इज पेज नंबर 9। आपको क्या चाहिए था यहाँ पे, log to the base 10 of 25। इसको ऐसा लिख दो बेटा, log to the base 10 of 100 divided by 4 लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, यस सर। अब ये मैं बोला सर कहाँ से लिख दिए आपने, क्यों लिख दिए? अरे लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, ठीक है? हमको 2 की वैल्यू पता थी, वैसे 25 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 5 × 5 कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 50/2 कर दो, लेकिन जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो दूसरी कैलकुलेशन जैसे उसकी जगह 5 का स्क्वायर लगा दिए तो भी चलता है सर? लेकिन log 5 की वैल्यू थोड़ी बताया मैंने, अगर आप मान लो log द बेस 10 ऑफ 5 का स्क्वायर इज आल्सो 25 तो 2 सामने आ जाएगा, log द बेस 10 ऑफ 5 बचेगा, ये थोड़ी बताया मैंने, ठीक है? समझ गया, ये नहीं बताया था ना मैंने। तो जो डेटा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग देखो, जो डेटा मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे log to the base 10 of 100 minus, ये स्टेप समझ गए, प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने। अब log to the base 10 of 10 का स्क्वायर माइनस log to the base 10 of 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, उसको आया ना? Yes. ठीक है, तो ये 2 सामने आ जाएगा, फिर log to the base 10 of 10 बचेगा, माइनस 2 सामने आ गया, log to the base 10 of 2 बचा। तो देखो जो बेस है वही लॉग है, तो उसका आंसर 1 हो गया, माइनस 2 इंटू, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया था 0.303, नहीं क्या था आंसर, 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो 2 माइनस 0.602 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2.00 और माइनस 0.602 ये बचा 8 9, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, 1.398 इसका करेक्ट आंसर, 1.398। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट अभी इस पे? सर एक बार फिर से बताओ ना। ठीक है देख, log to the base 10 of 25 है, तो actual में आप इस तरह से भी कर सकते थे, but log 5 मैंने बताया नहीं है। मैंने क्या बोला, without using calculator आपको करना, calculator में तो दिया हुआ है, जो scientific calculator है उसमें दिया हुआ है, तो है ना, तो without using calculator आपको ये निकालना है। हम जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे, पहले 100 by 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 अगर लिख दिए तो उसका उसका log निकालना बहुत आसान है, और 4 का भी लॉग निकालना आसान है, 8 का आसान है, 16 का आसान है, ठीक है? क्योंकि लॉग ये मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 0.3010 होता है, तो इस तरह के लॉग निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? समझ गए? इसलिए मैंने ये प्रोसीजर एडॉप्ट किए हैं। यस सर। समझ गए अभी? तो 100 को क्या लिख दोगे आप, 10 का स्क्वायर लिख दोगे, और 4 को क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे, और उसके बाद सिंपलीफाई कर दो। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। बस हो गया, ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? ले लिए? यस सर। अब एक और टर्म बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हो गया लॉग का, अभी मैं एक और टर्म बताता हूँ, फैक्टोरियल का यूज कैसे करते हैं। फैक्टोरियल पेज नंबर 10, सो दिस इज पेज नंबर 10, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का यूज कैसे करना है,
एक्चुअल में जो फैक्टोरियल होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इतनी पूरी जो सीरीज बनी है इसके लिए मैथमेटिशियन ने कुछ शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, कुछ सिंबल बना दिया है कि यार ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हमें ना लिखना पड़े, इसकी जगह में अपन कोई सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो मैथमेटिशियन ने उसको ऐसा लिख दिया, ये सिंबल भी होता है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन का सिंबल भी होता है, पढ़ते क्या है इसको 5 factorial, 5 factorial, factorial 5, ठीक है, समझ गए, ये इस तरह से पढ़ देते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी बनाते हैं और ये इस तरह से बनाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 10 factorial लिखा है या इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या होगा 10 × 9 × 8 × कहाँ तक आएगा, फिर 2 × 1 तक, 1 तक आना है, समझ गए कि नहीं, 1 तक लिखते हैं, तो ये टेक्निक हो गई, मतलब आपको इतनी बड़ी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दिए इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जैसे मान लो n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होगा n × n−1 × n−2 × 3 × 2 × 1 तक, 1 तक बस जाना है। 0 फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड एंड नेगेटिव फैक्टोरियल इज आल्सो नॉट डिफाइंड, जैसे माइनस मान लो x फैक्टोरियल लिखा मैंने तो ये नॉट डिफाइंड टर्म है, ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है, समझ गए। तो फैक्टोरियल लिखने का क्या यूज हो गया कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन की अगर बड़ी बड़ी सीरीज है तो उसको आप सिंपल एक वर्ड में खत्म कर सकते हो, लिख के एक सिंगल सा लेटर में आपने खत्म कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिखते हैं, जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8 factorial लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8 factorial लिख सकते हो, या फिर आप 10 × 9 factorial लिख सकते हो, या 10 × 9 × 8 × 7 factorial आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ गया या नहीं? Yes, sir. Okay, तो ये फैक्टोरियल कहलाते हैं, फैक्टोरियल का यूज इस तरह से होता है, मतलब सीरीज को शॉर्ट फॉर्म पे लिखने का एक तरीका हो गया, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अभी भी कोई डाउट है किसी को, आज जितना पढ़े उसमें, हाँ बोलो अभी।